देखिए, सूर्य का ये राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए विशेष नकारात्मक है, जैसे मेष के लिए, सिंह के लिए, धनु के लिए, और कुछ के लिए सकारात्मक है, जैसे वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर ये परिवर्तन आपके लिए विशेष नकारात्मक है, विशेष दिक्कतें दे सकता है, तो क्या ऐसा उपाय करें कि इससे कोई विशेष दिक्कत ना हो, कोई विशेष समस्या जीवन में पैदा ना हो। पहला काम, देखिए, ज़्यादातर लोगों के जीवन में वाद विवाद बढ़ेगा, ज़्यादातर लोगों के ऊपर तनाव बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, लेकिन लोगों का झुकाव भी ईश्वर की तरफ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में सूर्य का प्रवेश है। बृहस्पति और सूर्य का जो संबंध होता है वो आध्यात्मिकता पैदा करता है, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, इसलिए लोगों का झुकाव ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, लोग धर्म कर्म करेंगे और अच्छा भी है, लेकिन एग्रेसिव भी होंगे लोग, थोड़ा सा दिमाग लोगों का इस समय गर्म होगा। जैसा पहले बताया, मेष, सिंह, मीन राशि के लोगों को, धनु राशि के लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चार राशियां, मेष, सिंह, धनु और मीन, इनको विशेष ध्यान रखना है। और इस समय आप सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा समस्या हो रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करिए, सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करिए। एक मंत्र कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए, या सूर्य का जो सरल मंत्र है ओम आदित्याय नमः, इसका जप कर लीजिए। ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है आपको, सेहत में मुश्किलें ज़्यादा महसूस हो रही हैं, तो रविवार का व्रत रख सकते हैं आप। एक महीने में लगभग चार रविवार पड़ेंगे, चारों रविवार का व्रत आप रख लें और गुड़ का दान हर रविवार को करते जाएं, या गाय को गुड़ खिलाते जाएं। तो अगर कोई विशेष मुश्किल है, अगर कोई विशेष दिक्कत है, तो उस दिक्कत से आप बचेंगे। देखिए, सूर्य और बृहस्पति जो हैं, ये दोनों काल पुरुष के पंचमेश नवमेश हैं, एक पंचम का स्वामी, एक नवम का स्वामी, इसीलिए इन दोनों का संबंध धार्मिक चीज़ों के लिए, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए अच्छा होता है, भौतिक चीज़ों के लिए नहीं। इसीलिए जब सूर्य बृहस्पति की राशि में जाएं, या बृहस्पति सूर्य की राशि में जाएं, तो वो समय धर्म कर्म के लिए, धर्म कार्यों के लिए उत्तम होता है, दान के लिए, पूजा उपासना के लिए, मंत्र जप के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो समय भौतिक कार्यों के लिए, विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, गृह निर्माण के लिए, इन सब भौतिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि सूर्य का जो मीन राशि में प्रवेश है, जो अब 13 अप्रैल तक अपना प्रभाव दिखाएगा, इसमें अगर आप नियमित रूप से मंत्र जप करें, नियमित रूप से ध्यान करें, नियमित रूप से पवित्र नदियों में स्नान करें, देवी देवताओं के दर्शन पूजन करें, सात्विक बने रहें, तो इस एक महीने में आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, और ये फायदे इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी तमाम मुश्किलें हल हो सकती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।